दो दिन पहले शो में ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि शो तो सुपरहिट हो ही रहा होगा और एक्सटेंड तो हो ही जाएगा 2-3 हफ्तों के लिए। ये बात जो है अंकिता कह रही थी, और अब जो टीआरपी आई है, और अगर माना जाए तो टीआरपी की ओवरऑल जो है बिग बॉस की जो ओवरऑल टीआरपी है वो 1.7 आई है। तो 1.7 मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और एक ये बताता है कि शो जो है लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा। हालांकि अभी भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और उसके बाद कहा जा रहा था कि टीआरपी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन यहाँ जो टीआरपी सामने आ रही है 1.7, वो मुझे लगता है कि वैसी टीआरपी नहीं जैसी हम बिग बॉस से उम्मीद करते हैं या इस शो की जो पॉपुलैरिटी है उससे उम्मीद करते हैं। मुझे एक चीज लगातार लग रही है इस बार के एपिसोड मतलब देखकर कि इस बार जो चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है वो है इस शो का एंटरटेनमेंट। इस शो में ना वो जो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है ना, जो राखी सावंत, अब्दू रोजेक, बेबिका, मनीषा, शहनाज गिल, इन लोगों ने जो ऐड किया था ना वो वाला फ्लेवर, या फिर अर्चना गौतम, वो वाली चीज इस साल मिसिंग है, जिसकी वजह से शो जो है थोड़ा बहुत उस जगह पर मात खा रहा है। टास्क भी नहीं है, मुझे लगता है कि टास्क भी होते तो जो फिजिकल और टॉर्चर टास्क दिए जाते हैं वो टास्क से होता क्या है कि ना जो कंटेस्टेंट है उनकी ग्राउंड रियलिटी सामने आती है, क्योंकि गुस्से में होते हैं, फिजिकली उनको टास्क जीतना होता है। तो आप देखिए जो जितने झगड़े होते हैं और जितना ये लोग आपस में आते हैं वो टास्क में आमने सामने आते हैं, तब रियल चेहरे जो है समझ में आते हैं, जब ये लोग अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। तो वो चीजें जो है इस साल के सीजन से मिसिंग है। हालांकि ये लोग तो अंदर बैठकर ये बात कह रहे थे कि हमारा शो सुपरहिट हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है। और अगर मैं कहूँ तो 1.7 की टीआरपी एवरेज डिसेंट टीआरपी है। अगर थोड़ी मेहनत और की जाए और जो एलिमेंट मिसिंग है उनको ऐड किया जाए तो मुझे लगता है कि ये अच्छी टीआरपी लेकर आ सकता है। और जो वीकेंड का वार की टाइमिंग में चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि वो भी इसीलिए हुआ है ताकि शो में कुछ और जो है शायद उस समय ज्यादा व्यूवर्स मिल सके जो टाइम अब इन्होंने किया है। तो लेट्स सी अगले हफ्ते क्या आती है टीआरपी, पर फिलहाल जो इस वीक यानी कि जो लास्ट टू लास्ट वीक की टीआरपी आई है वो है 1.7।